अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं हूं आपकी टीचर आसिया मान और आज हम सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी सोशल स्टडी की टीचर भी हूं, उर्दू की भी हूं, तो आज हम सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। सही, तो जनाब पहले हम रिव्यू करते हैं कि हमने ऑन कैंपस कितना पढ़ा है। आपको थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। हमने ऑन कैंपस सोशल स्टडीज़ की दो डेफिनेशंस की थी, फिर हमने फ्लो चार्ट भी उसका डेफिनेशन का बनाया था। इसके अलावा हमने सोशल स्टडीज़ के पर्पस पढ़े थे और इसके अलावा हमने सोशल स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी और करवाई थी क्लास में। सही, तो यहाँ तक आप तमाम बच्चों का काम कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं हो तो कंप्लीट कर लें। जी, और ये है हमारी बुक। आज हम अपनी बुक से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सोशल स्टडीज़ ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। सही, ये देखिए चैप्टर 1 है जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये जो सेक्शन है ना, जियोग्राफी सेक्शन है, आपकी बुक के दो सेक्शन हैं, एक हिस्ट्री का सेक्शन है, एक जियोग्राफी का है। तो आज हम जियोग्राफी में से पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि जियोग्राफी क्या है और मुस्लिम वर्ल्ड क्या है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी रफ कॉपीज निकाल के रखें, एक पेंसिल हाथ में ले, और जियोग्राफी और मुस्लिम वर्ल्ड इन दोनों को अपने लफ्ज़ों में लिखें कि ये क्या हैं, आप इससे क्या समझते हैं। क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स को मैं क्लास में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर चुकी थी, उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों में होगा। तो जितना कुछ भी आपके जहन में इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को लेके, जो भी दो कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप वो लिखिए, मैं भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर का तारुफ करते हैं। तो इसका नाम है जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जियोग्राफी क्या है? जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस राइट या स्टडी। जियोग्राफी मींस स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है ज़मीन और ग्राफी का मतलब होता है लिखना या मुतालिया करना। तो जियोग्राफी का फिर इस तरह क्या मतलब, क्या डेफिनेशन बनती है कि क्या मतलब है जियोग्राफी से? इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टडी, इसका मतलब ये है कि ज़मीन के तबई खदोखाल की स्टडी करना, यानी कि ज़मीन के तबई खदोखाल की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। अब दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का ना, तो मुस्लिम वर्ल्ड क्या है ये भी आप अपने लफ्ज़ों में रफ पेजेस पे लिखें, फिर मैं आपको बता भी देती हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड क्या है। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर क्या, कौन से कंट्रीज़ आते हैं? Includes those countries governments declared that they are Islamic states and majority of the population is Muslim. ठीक है, यानी कि ऐसे तमाम कंट्रीज़ जिनकी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इस्लामिक स्टेट्स हैं, और ऐसे तमाम कंट्रीज़ जहाँ की जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। सही, तो अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। ये लें, अब मैं पढ़ती हूँ ये चैप्टर, आपने इसको सुनना है। ठीक, द मुस्लिम वर्ल्ड। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, द ग्राफ बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द फोर मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं जो नीचे दिया गया ग्राफ है, ये चार अहम जो रिलीजन्स हैं, मज़ाहिब हैं दुनिया के, उनके फॉलोअर्स के नंबर्स को, यानी कि उनकी तादाद को शो कर रहा है परसेंटेज में। ठीक है, ये देखें इस ग्राफ के बारे में अब बात करते हैं। लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ द मेन रिलीजन्स इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब जनाब इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? क्रिश्चियंस की है। ठीक है, 33% है। ठीक है, फिर सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन किसका है? मुस्लिम्स का है, 21%। सही, फिर इसके बाद हिंदू आते हैं, 14% है इनका, और उसके बाद बुद्धिस्ट आते हैं, 6% है। अभी जो अदर्स लिखा हुआ है ना, जो ब्राउन जो बार है, ब्राउन बार को आप देखें, यहाँ 26% लिखा हुआ है। तो ये जो अदर्स जितने भी छोटे छोटे मज़ाहिब हैं, उन सबको मिला के इन्होंने फिर ये 26% को शो किया है। ठीक है, लेकिन ये जो मेन मज़ाहिब है ना, ये देखिए ये चार हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू एंड बुद्धिस्ट। तो क्रिश्चियंस किसके फॉलोवर्स हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। मुस्लिम्स किसके फॉलोवर्स हैं? हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और हिंदू किसके हैं? हिंदुओं का जो आपको पता है कि वो मुशरिक हैं, बुतों की पूजा करते हैं। और बुद्धिस्ट कौन होते हैं? वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं, बुद्ध मत के मानने वाले। सही,
तो अब हम आगे चलते हैं पैराग्राफ पे. फॉर दिस बुक वी विल टेक द मुस्लिम वर्ल्ड टू मीन दोज कंट्रीज, कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को, यानी मैं आपकी ये डेफिनेशन करवा ली है मैंने, कि हम मुस्लिम वर्ल्ड से मुराद ऐसे कंट्रीज को लेते हैं हुज गवर्नमेंट्स हैव डिक्लेयर्ड डेट दे आर इस्लामिक स्टेट्स, यानी कि उनकी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है, ये वाजह कर दिया है कि वो इस्लामिक स्टेट्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की एंड लीबिया, इस टाइप के, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं ना मुस्लिम कंट्रीज़ जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका मज़हब इस्लाम है, वो इस्लामिक रियासतें हैं, तो ठीक है. एंड और दोज़ कंट्रीज़ वेयर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, तो कह रहे हैं और वो ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की आबादी कसरत से है, यानी कि मुसलमानों की अक्सरियत है. तो इस ये जो दो क्वालिटीज़ होंगी ना जिन कंट्रीज़ में, कौन सी दो क्वालिटीज़ होंगी, कि एक उसकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि भाई हम हमारी जो रियासत है वो इस्लामी रियासत है, और दूसरी ये खूबी या ये क्वालिटी है या ये उनका क्या कहेंगे प्रॉपर्टी है, क्या कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है. ठीक है जी. अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ. अब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया जो है वो फैली हुई है 15,000 किलोमीटर मशरिक से मगरब की तरफ और 6,000 किलोमीटर शुमाल से जुनूब की तरफ. अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे जो पेज 2 पे है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक का पेज नंबर 2, ये रहा. ठीक है, यहाँ पे देखें आपको शो हो रहा है, ये देखें इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ना, ठीक है, NSWE, ये शो कर रहा है डायरेक्शंस को. तो अब आप ये देखें जितना भी जो ग्रीन हाइलाइटेड कंट्रीज़ हैं ना, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं. ठीक है, ये मुस्लिम वर्ल्ड है जो आपके पेज नंबर 2, जो बुक का पेज नंबर 2 है, वहाँ पे जो मैप है वहाँ पे ये बताया गया है. सही, तो ये इन्होंने एरिया जो है लिख लिया है, कितना एरिया है ईस्ट टू वेस्ट 15,000 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ है 6,000 किलोमीटर. ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये वास्ट रीजन है, ये देखें इनसाइड दिस वास्ट रीजन, इस वास्ट रीजन में देयर आर बाउंड टू बी मेनी डिफरेंसेस. यहाँ हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बट द होल एरिया इज़ बाउंड टूगेदर बाई फेथ इन इस्लाम, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द कुरान. कह रहे हैं कि इस तमाम एरिया को जिस चीज़ ने बाउंड किया हुआ है वो है इस्लाम पर ईमान, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे ईमान और कुरान पे ईमान. ठीक है, तो ये सब मुस्लिम कंट्रीज को बाउंड करके रखा हुआ है उनके ईमान ने. सही, तो आपने अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. जी, हमने देखिए मुस्लिम वर्ड को हमने, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, कि इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन इन द वर्ल्ड. ठीक है, दूसरा पॉइंट है, द ग्राफ शोज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द 4 मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. 4 जो अहम मजाहिब हैं उनकी परसेंटेज को इस ग्राफ में शो किया गया है, और आपने ये ग्राफ को अपनी कॉपी पे भी बनाना है. द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ. और ये भी आपने याद करने के पॉइंट्स हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक जो है मुस्लिम दुनिया फैली हुई है 15,000 किलोमीटर के रकबे पे, और नॉर्थ टू साउथ मुस्लिम दुनिया फैली हुई है 6,000 किलोमीटर के रकबे पे. सही है, ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को. सही, तो अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ. तो आपने क्या करना है, सही ये मैं बता रही हूँ आपको. अब आपने अपनी कॉपीज़ पे चैप्टर 1 की हेडिंग डालनी है, फिर दूसरी हेडिंग डालनी है ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, फिर सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ में से वोकैबुलरी लिखनी है. मैंने जो लिखी है वो ये है, फास्ट ग्रोइंग एस्टिमेटेड फॉलोवर्स रिलीजन डिक्लेयर्ड स्ट्रेचेस. ठीक है, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 हेडिंग ये गौर से देख लें, मैंने वोकैबुलरी पे नंबर 1 लिखा हुआ है. नंबर 1 हेडिंग हमारी वोकैबुलरी की है, पेज 1 पे होगी. उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, देख लें, और फिर नंबर 3 हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ. और मैं देखती हूँ अगर सिस्टम में इस तरह हो सकता है कि मैं आपको असेसमेंट में ये इमेजेस भी सेंड कर दूँ डेफिनेशंस की. सही, और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, एक पेज पे आपने ये ग्राफ बनाना है. ठीक है, ये ग्राफ मैंने तो ऐसे रफली सा बनाया है, आपकी बुक्स में जो बना हुआ है उसी तरीके से आपने ग्राफ बनाना है. कलर भी वही करना है, परसेंटेज को भी सही से मेंशन करना है, और मज़ाहिब के नेम्स भी, रिलीजन्स के जो नाम हैं वो भी आपने मेंशन करने हैं. तो नंबर 5 पे आपने ये फिलिंदा ब्लैंक्स करनी है, सॉरी कहाँ गई, जी ये रही, ये फिलिंदा ब्लैंक्स आपने करनी है. तो फिलिंदा ब्लैंक्स, हमारी पहली फिलिंदा ब्लैंक्स क्या है, कि इस्लाम इज़ द डेश लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. इस्लाम जो है कितने नंबर पे बड़ा मुल्क है
दुनिया में, फिर देश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में जो तेज़ी से फैल रहा है वो कौन सा मज़हब है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, ये आपकी बुक में ही है। देश रिलीजन इज 14% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो कौन सा मज़हब है जो 14% है दुनिया की आबादी में, और क्रिश्चियन रिलीजन इज 10% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, और क्रिश्चियन रिलीजन की आपने परसेंटेज बतानी है इससे पाँच चौथी खाली जगह में, ठीक है, चौथी जो फिल्म द ब्लैंक्स है हमारे पास। अब पांचवी जो फिल्म द ब्लैंक्स है हमारे पास वो है द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 1.5 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 1.5 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। तो आपने ये बताना है कि ये जो रकबा आपने यहाँ पर मैंशन करना है, लिखना है इस फिल्म द ब्लैंक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, राइट 5 नेम्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, आपको 5 मुस्लिम ममालिक के नाम लिखने हैं, ठीक है। आपने ये नाम कहाँ से लिखने, आप खुद सर्च कीजिए मुस्लिम कंट्रीज़ कौन से हैं। अगर आप नहीं सर्च कर रहे, आप यानी कि गूगल पे सर्च करें, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछें, कोई भी आप ज़रा या आप मैप्स देखें। अगर आप बहुत इजी मेथड जो बता रही हूँ मैं आपको, जो आपकी बुक में मैप है ना, ये वाला जो पेज 2 पे मैप है, यहाँ पे जो ग्रीन हाइलाइटेड एरिया है, जो ग्रीन हाइलाइटेड कंट्रीज़ हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसमें से कोई भी 5 आप कंट्रीज़ के नाम लिख लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी और डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं फिर कुछ कहती हूँ सर से कि आपको ये भेज भी दें किसी तरीके से। और बस ठीक है, बस ये हमारा काम था।